जनता कहिन में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद जैब। चुनावी यात्रा जो है लगातार गांव-गांव पहुंच रही है। इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं ये विधानसभा रामनगर है और जिला बाराबंकी, और जो ये क्षेत्र है इसको किंतूर कहते हैं। और किंतूर की अगर आबादी की बात किया जाए तो 60 और 40 का है, यानी 60% मुस्लिम होंगे तो 40% जो है वो हिंदू होंगे। यहाँ पर आबादी जो है वो मुस्लिम की ज़्यादा है। अब यहाँ की जनता से हम पूछेंगे कि अब की उनका मूड क्या है, आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिस तरीके से बड़े बड़े नेता जो हैं वो अखाड़े में कूद चुके हैं, अब जनता क्या सोचती है, अखाड़े में कूदे हुए बड़े बड़े नेता को क्या देख रही है, क्या हालचाल है चाचा, सब ठीक है, माहौल क्या है अब की बार यूपी का? अब के जो है सब कांग्रेस के जो है अच्छे जो है चल रही है। कांग्रेस जी, कांग्रेस रेस में है? हाँ, रेस में है। और समाजवादी और बीजेपी सब है, लेकिन नाम इसका ज्यादा है। अब के काम इसी का सब है यहाँ हमारे सब पूरे कांग्रेस का पूरा जोर है। क्या हाल चाल है, सब बढ़िया है? यूपी में चुनाव होने हैं 2022, माहौल जानने आए हैं कि क्या है माहौल, तो माहौल क्या? माहौल बहुत अच्छा है कांग्रेस का। हम लोग कांग्रेस पार्टी, हम लोग कांग्रेसी में हैं। अच्छा, आप लोग कांग्रेसी हैं? हम लोग कांग्रेस। यहाँ पर ये जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, सारे मुसलमानों का मूल जो है कांग्रेस है? हाँ, आपके कांग्रेस का मूल है, कांग्रेस जीतेगी। महंगाई की अगर बात किया जाए तो महंगाई का कुछ महंगाई बहुत है इस सरकार में, बीजेपी सरकार में। बीजेपी सरकार में महंगाई बहुत है, हर चीज महंगाई। इधर आ जाइए, आप निकल जाइए। तो ये जनता का जो मूड है वो लगातार हम पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, पूछेंगे क्या हाल चाल है, सब ठीक है? हाल बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। बाजार आए हैं सब्जी खरीदने के लिए, शायद किंतूर का बाजार कहलाया जाता है, तो बाजार खरीदने, बाजार में सामान खरीदना है, महंगा कुछ लगा कि नहीं लगा? बिल्कुल महंगाई तो आई है भैया, बहुत महंगाई। महंगाई है जी? कितना महंगाई है? अरे बहुत महंगाई आम आदमी के लिए भैया। अच्छा, आम आदमी के लिए बहुत महंगा है। तो क्या लगता है माहौल क्या है अब की 2022 विधानसभा चुनाव को? हम माहौल भैया, हम सरकारी आदमी है, माहौल जो है वो ठीक है बस। अच्छा, जो है वो आप सरकारी हैं। क्या हाल चाल है भैया, सब ठीक है? अरे सब ठीक है ही है, जो कुछ करो तो ठीक है सब। माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो बहुत बुरा है। क्या माहौल क्या बुरा है, मतलब यहाँ महंगाई आग है सब। अच्छा, महंगाई आग है। किंतूर के लोग जो है इस वक्त परेशान हैं? सब लोग परेशान, किंतूर का आम जनता परेशान। तो आपकी माहौल क्या है 2022 विधानसभा चुनाव? तो सब देखा जाए फिर क्या हुई, वक्त बताएगा, वक्त बताएगा। जब अंदर जाएंगे बूथ में तब मजबूत करेंगे, तब मजबूती होगा। तो ये है लोगों का जो माहौल, वो लगातार हम जनता से सवाल पूछ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है माहौल, क्योंकि किंतूर जो ये क्षेत्र है, जो ये कस्बा है, यहाँ की आबादी के हिसाब से लोगों का जो सोच है, लोगों का जो मूड है, उस पर हम लोगों से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हालचाल है, क्या माहौल है यूपी का? माहौल यूपी का बढ़िया है, कुल मिला के अब बदलाव का समय है, बदलाव होने वाला है, उत्तर प्रदेश की पूरी जनता तैयार है, बदलाव होगा। अच्छा, यूपी की जनता तैयार है, रामनगर की जनता तैयार है कि नहीं? रामनगर की जनता भी तैयार है, बदलाव होने वाला है आगामी विधानसभा चुनाव में। यहाँ से अगर कोई विधायक होगा तो ज्ञानेश शुक्ला होंगे कांग्रेस पार्टी से। अभी हम पार्टी लेवल की बात नहीं करना चाहते, लेकिन आपने कह दिया है तो ठीक है, हम महंगाई पर बात करेंगे, बदलाव पर बात करेंगे। तो क्या लगता है मूड क्या है, अब की यूपी में बदलाव होगा कि नहीं, कोई पार्टी नई आएगी या फिर से बीजेपी आएगी? नहीं नहीं नहीं, बदलाव होगा और 2022 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार लगता है कि रेस में है कांग्रेस? बिल्कुल रेस में है, हमने हर मुद्दों पे बात किया है, चाहे किसान की हो, चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे कोरोना का हो, चाहे विकास का हो, हर तरह की कांग्रेस पार्टी ने बात किया है। तो क्या है कांग्रेस की तरफ से, क्या जनता के लिए दिया जाए? हमने, कांग्रेस पार्टी ने हमारे मैनिफेस्टो जारी किया है जो जनता तक पहुंचाया जा रहा है, और जो मैनिफेस्टो यहाँ तैयार किया गया है उसमें सारे मैनिफेस्टो, ये देखिए आपको दिखा रहा है, ये सारे मैनिफेस्टो जनता के लिए है। ये कांग्रेस की तरफ से है? जी, कांग्रेस की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया गया है। तो कांग्रेस मैदान में उतर रही है? बिल्कुल उतर चुकी है। पहली बार सपा के साथ? नहीं नहीं नहीं, अबकी हम लोग खुद चुनाव लड़ेंगे, किसी से गठबंधन नहीं होगा, अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, पूरे यूपी में हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, अकेले ही लड़ेंगे? जी, अकेले लड़ेंगे। चलिए किंतूर की जनता से बात कर लेते हैं और सीधा हम संवाद करेंगे ग्राउंड जीरो से।
ग्राउंड जीरो से हम रिपोर्ट करेंगे, क्या हाल चाल है? सब ठीक है, सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, सब फर्स्ट क्लास है। अच्छा, किन्तूर की जनता क्या सोच रही है आपकी बार काहे के लिए? चुनाव को लेकर, 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर। चुनाव के लिए समाजवादी। अच्छा, समाजवादी में क्या आपको मिला और बीजेपी से क्या नुकसान? ना उमा कुछ मिला है, ना इमा कुछ मिली है। अच्छा, दोनों बेकार है। समाजवादी का डंका क्यों पीट दिया आपने? हम वोट देवा बता दिए। अच्छा, वोट देंगे तो महंगाई की मार है कि नहीं? महंगाई है। क्या हाल है, मूड बढ़िया है? चलो खैर, कोई बात नहीं है। तो ये गांव की जनता है, किन्तूर की जनता है, ये रामनगर विधानसभा की जनता है। कैमरा देखा, मुझे देखा और लोगों ने ये सोचा कि आखिर क्या जानने के लिए किन्तूर कस्बे में ये पत्रकार घुस गए हैं। तो इसलिए लोग हमारे पीछे पड़ गए, लेकिन खैर कोई बात नहीं, जहां पत्रकार जाते हैं वहां पर माहौल ना बने तो सब बेकार है। तो क्या लगता है, किसानी में कुछ फायदा है कि नहीं? नहीं है, नहीं है। अरे अरे अरे, क्या बात कर रहे हो, बीजेपी पूरी तरीके से मदद कर रही है किसानों के, आप कह रहे हो? हाँ, मदद कर रही है। इना है ना? इना किसान ना, किसान आप हैं। तो क्या लगता है कि अब की माहौल क्या है यूपी का? माहौल सही है, फायदा है, सब बढ़िया है। हाँ, बीजेपी 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 आएगी, बीजेपी आएगी। देखो यार, हंसो नहीं, अपना अपना मत है, जनता का मत है, रखने दीजिए, हंसिए नहीं। जिसका जो मूड है वो बताएगा, किसी से हम किसी पर दबाव नहीं डाल रहे। चाचा, क्या हाल चाल है, सब ठीक है? अब तो भैया समाजवादी में। अच्छा, तुम समाजवादी में हो? अरे समाजवादी में रहो, बसपा में रहो, कांग्रेस में रहो, किसी पार्टी में रहो, लेकिन इतना तो बता दो कि परेशान हो कि नहीं? परेशान का अब जो है, परेशानी तो है ही है, मान लो बारिश हुई के धान सब बूझ चले गए, गेहूँ बोवई ना मिली, परेशानी तो यही है अभी का, और आगे का है, नुकसान पे नुकसान। अच्छा, जो बीजेपी की तरफ से 2000 रुपए दिए जा रहे हैं, इससे कुछ हला भला हो रहा है कि नहीं? कहा भला हुई, 2000 में कहा हुई, जो 20000 के रकम के लिए 1200 में। बीजेपी की तरफ से गौशाला बनाया गया है, गौशाला सड़वा सब चरे लेते को हूँ, सड़वा सब चरे लिए गौशाला में तो रहा जात है। चलिए खैर, कैमरा ऊपर कर लीजिए और देखिए, देखते देखते बहुत सारी जनता यहाँ पर इकट्ठा हो गई, नौजवान इकट्ठा हो गए हैं। अब डायरेक्ट नौजवानों से बात कर लेते हैं, नौजवान अगर भागे ना तो बात करेंगे, वरना भागना हो तो पहले भाग लीजिए। हाँ, भागना है तो पहले भाग लीजिए, अगर बात करना है तो उधर आ जाइए। और हंसिए नहीं, देखिए चुनावी मुद्दा है, अगर आप अपनी बात नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? आप अपने मत रखिए और बताइए कि आपके क्षेत्र में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। चाचा, क्या हाल चाल है? ठीक है, ठीक है। माहौल क्या है, क्या लग रहा है? सड़वा सब चले लेते हैं, और का गौशाला का है तो सब छोड़ देते हैं, और क्या करते हैं? सड़वा सब चले ले रहा है। हाँ, धान। हाँ। अच्छा, जो बीजेपी काम कर रही, क्या लगता है आपको, कुछ अच्छा काम कर रही है? सब वैसे है, सब वैसे चल रहा है। यार मुस्कुरा रहे हो कि कुछ बोलोगे भी? जो देखो, ये बच्चे है गाँव के, किस तरीके से माहौल बना रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव नजदीक आ रहा है, बड़े बड़े नेता से लेकर छोटे छोटे नेता इनके बीच में आएंगे, और पत्रकारों की बात किया जाए तो वो भी आएंगे जमीनी ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग देखने के लिए। और लगातार आप देखते रहें, लगातार आप देखते रहें जनता का हिंद। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद सैफ, लखनऊ।